Hello students, welcome to DIPS tutorial. Today we will study NCERT base standard 3rd subject max unit 1 where to look from. Okay, आज हम पढ़ने जा रहे हैं max subject standard 3rd NCERT base first chapter है where to look from. Okay, our teacher told us to draw a picture of a car. We all drew the car differently. ओके यहाँ पर टीचर ने सभी बच्चों को कार ड्रॉ करने के लिए कहा था. तो सभी बच्चों ने ड्राइंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन सब लोग की जो ड्राइंग थी वो सबसे सबकी अलग अलग थी. इट वाज ऑल डिफरेंट, सबने अलग अलग ड्राइंग बनाई थी. नेक्स्ट डे जब लोग स्कूल पहुँचे तो उन्होंने टीचर को पिक्चर्स बताए. दे शोड द पिक्चर्स टू द टीचर एंड टू ईच अदर ऑल्सो. ओके, और बहुत सब लोग खुश थे, एकदम एक्साइटेड थे, सबकी ड्राइंग कैसी होगी. दे वर वेरी एक्साइटेड. बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग. बट ये देखकर अंशुल हंसने लगा. किस पर? लुकिंग द पिक्चर ऑफ धीरज ड्राइंग. धीरज की जो कार है वो देखकर हंसने लगा. क्यों? अब आप देखो यहाँ पर है धीरज की ड्राइंग और ये है अंशुल की ड्राइंग. अब आप देखो ये अंशुल और धीरज की जो ड्राइंग है, जो पिक्चर उन्होंने कार की बनाई है, हाउ इट्स लुक. ओके, तो जो मेंशन किया है अंशुल सेड, उसने क्या कहा, इट्स लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्स ओके कैप्ट इन अ बिगर वन. तो उसे कैसा दिखाई दिया है, उसने एक कार दिखाई दिया है कि एक छोटी सी बॉक्स है और उसके छोटी सी बॉक्स है जो बिग बॉक्स के अंदर उन्होंने रखी, ऐसा उन्हें दिखाई दिया. ओके, तो दिस शोड ऑफ अ धीरज. ये किसकी ड्राइंग हुई? धीरज की. ओके, धीरज की ड्राइंग हुई. नाउ बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ अ सेम कार बट द ड्राइंग लुक डिफरेंट. दोनों ने कार की ही ड्राइंग बनाई है. ओके, ये भी कार है, ये भी कार है, लेकिन डिफरेंट दिखाई दे रही थी. व्हाट इज द डिफरेंस? धीरज सेड ही लुक द कार फ्रॉम द टेरेस. धीरज ने क्या कहा कि मैंने जब ड्राइंग बनाई थी कार की, तो मैंने टेरेस पर खड़ी होकर कार की ड्राइंग बनाई है. तो क्या टेरेस पर जो खड़ा था तो उसकी वजह से उसे कार इस तरह से दिखाई थी. ओके, तो धीरज सेड ही लुक द कार फ्रॉम द टेरेस एंड यू थिंक द फनी ड्राइंग इज राइट. तो आपको ये लगे कि फनी है ड्राइंग, ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है वो फनी है? नो. हैव यू लुक द थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड. आपने कोई भी चीज़ होगी तो आपने डिफरेंट साइड से देखी होगी, लेकिन यू कैन से कि मैंने ये साइड से देखी या वो साइड से देखी. ओके, नाउ वी विल सी दैट वॉट इज द व्यूज दैट वी हैव सीन दिस. ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ. सी, दिस इज द कार. यू कैन सी, जो कार है मैं ऊपर से देख रही हूँ. सो यू कैन सी दिस कार लाइक दिस. ओके, दिखाई दे रही, लेकिन यही कार मैं यहाँ से देख रही हूँ तो आपको दिखाई दे रहा ना कार कैसी दिखाई दे रही है. ओके, समझ में आया आपको? आया ना? वेरी गुड. ओके, नाउ सी सेम क्वेश्चन इज दैट. नाउ दिस इज माय टेबल. यू कैन सी दिस इज माय टेबल. यू कैन सी फ्रॉम द अप दिस इज माय टेबल. ओके, नाउ व्हेन आई एम चेंजिंग माय टेबल, तो यू कैन सी माय टेबल इज लाइक दिस. यू कैन सी माय टेबल is like this. Okay, so what is the different view, same or different? यहाँ पर क्या है? The meaning that is धीरज ने जो कार देखी थी from the terrace, that is called top view. कौन सा व्यू बोला जाता है? दैट इज़ कॉल्ड टॉप व्यू, मतलब ऊपर से देखा हुआ, ऊपर का नज़ारा था उसका. और जब उसने साइड से देखा, दैट इज़ कॉल्ड साइड व्यू. कौन सा व्यू बोला जाता है? साइड का व्यू. दिस इज़ कॉल्ड साइड व्यू. वैसे ही सेम टेबल जब हमने ऊपर से देखा तो दैट इज़ कॉल्ड टॉप व्यू, और जब हमने साइड से देखा तो दिस इज़ कॉल्ड साइड व्यू. ओके, तो आपको क्लियर हुआ? तो कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर से देखते हैं तो यू कैन सी दिस इज़ द टेबल. यू कैन सी दिस इज़ द टेबल साइड व्यू. और ये कौन सा व्यू हुआ? टॉप व्यू, मतलब ये ऊपर से देखा हुआ टेबल है और ये नीचे से देखा हुआ टेबल है. ओके, नो इस आधार से आप बहुत सारे पिक्चर्स है जो आपको खुद बताना है कि टॉप व्यू है या साइड व्यू. टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखा हुआ और साइड व्यू मतलब बाजू से देखा हुआ. ओके, ठीक है. तो दिस इज द कुकर, प्रेशर कुकर. दिस इज अ स्लीपर.
दिस इज अ स्टार फ्रूट. स्टार फ्रूट मतलब कमरक, जो हम खट्टा मीठा होता है, दैट इज. एंड दिस इज अ टेबल, वार्डरोब टेबल. ओके, ये जो भी चीज हमने देखी है, ऑल दिस इज अ साइड व्यू. ये हमने साइड से देखी है. कुकर भी साइड है, स्लीपर भी साइड से है, कम स्टार फ्रूट भी साइड से है और वार्डरोब टेबल भी साइड से है. और वही सेम पिक जो है वो हमने देखी है टॉप व्यू से, मतलब ऊपर से. तो जो हम ऊपर से देखते हैं तो उसका जो नज़रिया होता है, इट इज़ लाइक दिस. ये भी प्रेशर कुकर है, ये भी स्लीपर है, ये भी स्टार फ्रूट है और दिस इज़ अ टेबल, वार्डरोब टेबल. दोनों पिक्चर्स सेम है लेकिन देखने का नज़रिया अलग है. दैट इज़ अ टॉप व्यू एंड दिस इज अ, सॉरी, दिस इज़ अ साइड व्यू एंड दिस इज़ अ टॉप व्यू. ओके, क्लियर एवरीबडी? नाउ इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम इट इज अ कैट इज पिपिंग इन टू अ क्लासरूम. ओके, एक जो बिल्ली है वो क्लासरूम में खिड़की से ऊपर से देख रही है. ओके, तो कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर इज द टीचर इज, क्या आप बोल सकते हो टीचर कहाँ पर है? तो टीचर इज फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के सामने है. ओके, टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हियर आर सम पिक्चर्स, फाइंड आउट वेयर हैव टू लुक टू सी दिस थिंग्स दिस वे. अभी यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज है जो आप कहाँ से देखते हो. ओके, तो यहाँ पर है स्टेयरकेस. स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ. ओके, तो ये सीढ़ियाँ आपके स्कूल में हो सकती हैं, आपके घर पे हो सकती हैं, आप कहाँ पर मॉल पे जाते हो वहाँ पर होती हो. तो आपको ये स्टेयरकेस कहाँ से दिखाई देती हैं? तो दिस इज अ साइड व्यू. हम साइड पे खड़े रहते हैं तो हमें स्टेयरकेस, जो हमारी सीढ़ियाँ होती, इस तरह से दिखाई देती है. और ये सेम स्टेयरकेस जब ये है, ये कौन सा व्यू हुआ? दैट इज अ टॉप व्यू. अगर हम ऊपर खड़े तो हमें ऊपर से सीढ़ियाँ ऐसी दिखाई दे रही है, यू कैन सी ऊपर से नीचे जा रही. तो दिस इज अ टॉप व्यू. दिस इज अ टेबल. ये कौन सा व्यू हुआ? दिस इज अ टॉप व्यू. हमें ऊपर से टेबल दिखाई दे रहा है. ओके, देन दिस इज अ चेयर. अब ये चेयर हमने देखी है तो ये कौन सी व्यू है? दिस इज अ टॉप व्यू और साइड व्यू. वाह, वेरी गुड, इट इज अ साइड व्यू. हमने साइड से देखी है. ओके, नाउ दिस इज अ पेंसिल. ओके, अब ये पेंसिल है टॉप व्यू है या साइड व्यू है? अब बोलो मुझे कौन सी व्यू है इस पेंसिल की, बोलो. यस, टॉप व्यू. देखो अभी ये हुआ पेंसिल, हमने टॉप से देखी है तो हमें इस तरह से दिखाई दे रही, दिस इज अ टॉप व्यू. अगर हम साइड से देखें तो हमें इस तरह से दिखाई देती, दिस इज अ साइड व्यू. साइड से हमें पूरी दिखाई देती, लेकिन हम टॉप से देखें तो हमें सिर्फ इतनी, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, इतनी ही पेंसिल की सिर्फ लीड और उसका अपर पार्ट दिखाई देता है, दिस इज अ टॉप व्यू. ओके, तो दिस पेंसिल इज टॉप व्यू. एंड देन दिस बस, बस इज अ साइड व्यू. ओके, गॉट इट एवरीबडी? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स बनाने हैं कि आपको साइड व्यू और अप व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दोनों बनाना है. तो आप जो चीज़ बना सकते हो, यू कैन मेक इट. ओके, क्लियर एवरीबडी? इफ एनी क्लैरिफिकेशन इज देयर, जस्ट मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स. थैंक यू.